Assalamualaikum everyone, hope you all doing good. So welcome to our new vlog. हाँ तो भैया सीन ऐसा है कि अभी मैं जा रहा हूँ अजीरा को लेने के लिए और जब मैं उसको पिक कर लूँगा फिर बताएंगे हम लोग आज के व्लॉग में आपको क्या देखने को मिलेगा और हम क्या करेंगे. सो आखिर तक देखना. हाँ तो गाइज मैंने भाई बता तो दूँ मैंने भाई इसको पिक कर लिया है और हाय गाइज तो कर लो तुम अपना. तुम हाय गाइज भी कम हो बोलती भी कम हो. मैं कम बोलती हूँ इतना बोलती हूँ बेटा ब्लॉग में नहीं बोलती. ब्लॉग में नहीं बोलती. हाय गाइज मैं आ गई. तो अभी हम लोग जा रहे हैं, मेरे दोस्त ने रेस्टोरेंट खोला है जौहर में तो हम वहाँ जा रहे हैं. तो हम वहाँ जा रहे हैं. उन्होंने हमें बोला था कि आ जाओ कुछ खा पी लेना. हमने बोला आ जाते हैं फौरन. मैं द मीटी किचन के नाम से. आप लोग भी जाइएगा. ओके यस. हम पहले जाएंगे, हम रिव्यू देंगे फिर आप लोग जाना. ऐसे मत जाना. चले चले. अरे पहुंच गए इतना जल्दी. यस चलो अच्छा है भाई करीब ही है. पैसा वैसा क्या करना. आओ दे दो मुझे. मुझे दे दो अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना है इतने पैसों का. अच्छा भैया हम आपको बता देते हैं हमारे साथ आमना होगी. यस yes. हमने कहा यार वो गरीब को ले चलते हैं. आमना होगी और आमना होगी. आमना के साथ आमना पहले हम यहाँ से देखेंगे. एक तो रक्षे वालों को इतना? अलग से हिसाब होगा इनका देखना. आखिरत में रक्षे वालों का अलग से हिसाब होगा. इतना सडन प्लान बनाया हमारा. मुझे नहीं पता था हम व्लॉग भी बनाएंगे. नहीं पता था तुम्हें. हम वैसे इतना कम मिलते हैं हम उसमें व्लॉग भी ना बनाए. हाँ हम कितना कम मिलने लग गए हैं. गज अभी पहले पहनो कि तुम्हारे हाथ के हिसाब से बनाया है इसने. छोटा 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 सा अभी पहन लो. तो खाना कैसे खाऊंगी फिर. ओहो खाना खाना तुमने इतना टूस कराई है फिर भी खाना. गाइस अब मैं खाना नहीं खाऊंगी कुछ भी हो जाए. ओके नहीं जरूरत मुझे तुम्हारे मोबाइल की. ये है वो लोकेशन जहाँ हमें आना था और बस अब हम जा रहे हैं अंदर. बेटा तुम्हें जब सर्दी लगेगी मैं नहीं दूंगा जैकेट तुम्हें. तुमको देनी पड़ेगी. देख ले गाइस ये लोकेशन है और छोटी सी जगह लेकिन बहुत अच्छी सेटिंग है. बाहर भी है ना सेटिंग शरी. मैं तो नहीं खा रही कुछ भी. क्या खाओगी. कुछ भी नहीं क्योंकि इसने मुझे कहा है कि तुम खाना भी खाओगे. तो जेंडर से फोड़ के आई हो तू. अकेले 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 अकेले. तो भाई ये आने वाली थी. हेलो कैसी है आप. ठीक ठाक है. पिकनिक क्या मैं खुद ही आ गए. हाँ हाँ भाई मुफ्ते का खाना कहीं तो छोड़ दिया. क्यों छोड़ू. मुझे क्या खाओगी यार. बहुत मुश्किल हो रही है सेलेक्ट करने में यार. ये मौसम नहीं भाई. एक कंप्लेन आई है आपकी शेरी भाई. एक कंप्लेन आई है कि यहाँ पे वॉशरूम नहीं है. ऐसे भी लोग आते हैं यहाँ पे. इनके लिए होना चाहिए. फ्राइज मंगवाए जाए. बोल दिया. ओ बंदा जख्मी कर दिया हमारा. लग गई. ये क्या बात हुई. मार कर बोली लग गई. माशाल्लाह आमदन ने इतना सैनिटाइजर यूज कर लिया. ये बिल में ना सैनिटाइजर के पैसे भी लग कर आएंगे. शर्म नहीं आती तुम्हें. अबे ये बिल है हम तो ऐसे हाँ तो अमेरिकन सिस्टम है. अमेरिकन सिस्टम अमेरिकन सिस्टम है. तुम्हारे आश्रय पे आई हूँ. मैं बराबर में जो बैठा उसके आश्रय पे आई हूँ. आया है स्टार्टर इसमें विंग्स है और फ्राइज है. लोडेड फ्राइज है आई थिंक. ये अब खाकर ही पता चलेगा क्योंकि हमें बताया नहीं जा रहा. बस ला के रख दी कजन से. और ये मुझे लग रहा है बहुत टेस्टी होगा. ट्राई करो तुम. तो यहाँ हमने स्टार्टर की नमाज पढ़ा दी है आमना और अजीरा ने. शर्म नहीं आती यार तुम्हें. हद होती है यार आमना. मैंने नहीं खाया तुमने ही खाया है. ये देखो अभी भी फंसा हुआ है आलू तुम्हारे.
हाउ इज द टेस्ट? बस कर दो आप, तो एक तो गरीब ऊपर से गलीज। ये भाई एक बर्गर हजीरा का है, एक आमला का है और एक उसका किसका है, एक भुट्टो का है। आज भी भुट्टो जिंदा है। नहीं मेरे लिए तीन बर्गर है। तो भाई काफी थोड़ी सी देर के बाद हमारा ऑर्डर आ गया। यस, अब हम ये खाएंगे और फिर आप लोगों को बताएंगे कि हाउ इज द टेस्ट। मुंह देखो इसका। मैं तो अपना बर्गर खत्म करके बैठा हुआ और इन दोनों से निकल जाए। तो इतना तुम लोगों ने स्टार्टर फोड़ लिया था तो यही होगा कि तो खा कम रही है, गिरा ज्यादा रही है। खैर टेस्ट इज गुड और जो मैंने खाया वो मैं बता दूंगा, अभी तो मुझे भी नहीं पता कि क्या खाया है। बस मैंने बीफ खाया तो उन्होंने चिकन खाया है ना, और एक स्मोकी चिकन के नाम से एक कॉम्प्लीमेंट्री हमें दिया है उसने, बोला ये भी खा के बताना कि कैसा है। कॉम्प्लीमेंट्री नहीं दिया है, वो उसकी सेहत देख के दिया। हमारे खूबसूरत से दोस्त है। हाँ तो भाई टेस्ट, हाँ बहुत अच्छा टेस्ट है। आप भी कुछ बताते हैं अपने काम के बारे में, हमने ही बताया, आप भी कुछ बताते, कौन सा फ्लेवर दिया था आपने? हमने किचन वो स्पेशल दिया था हमारी तरफ से, चिकन में जो फिल्ड होती है चीज से, सही बैठी, और बीफ में हमने मीट मीट चीज दिया था, सही है सही। चिकन में हमने आपको स्मोकी क्रंच दिया था। स्मोकी क्रंच नहीं खाया गया भाई मुझसे, वो पैक रखा हुआ है तुमने, और हमारी वाली ने छोड़ दिया ना, हमने वो पहले खत्म किया। तो खैर टेस्ट बहुत अच्छा था, आप लोग लाजमी विजिट करना ही, हमारे दोस्त हैं और यहाँ पे एक और है, वो कहाँ गए, कहाँ घूम रहे ये, तुम क्या कर रहे हो, सबको तंग करने में लगे हो। तो आप लोग लाजमी विजिट करना, थैंक यू सो मच। हम लोग वहाँ से फारिग हुए, उसके बाद हम कहीं बैठे थे, वो मैं नहीं बताऊंगा। उसके बाद इनको दिल चाहा वाफल खाने का, तो अभी हम लोग आए हैं वाफल खाने, और ये हम लोग को कोई किताब पकड़ा के चला गया है। क्या मंगवा रही हो? हम मंगवाएंगे मिनी, हम नहीं तुम मंगवाएंगे, हम खाऊंगी मैं। हाँ तुम ही खाना, मैं तो नहीं खाऊंगा। तो हम अभी खाएंगे मिनी पैनकेक्स न्यूटेला के साथ। और इसके अभी ये बोल रही है, कह रही है कि अभी मतलब अभी खा के निकले और कह रही है वाफल खाने चलते, इसके बाद गोलगप्पे खाने जाएंगे। गोलगप्पे भी खाने यहीं पे, पागल इंसान, यही है गोलगप्पे, रज्जो के गोलगप्पे खाने हैं भाई। राजू लिखा हुआ डबल जे के साथ में ना, रज्जो है ये तो। ये देख ले आप लोग, मुफ्ता बैठी हुई भुक्कड़ इंसान जिसका पेट ही नहीं भर रहा है। ऊपर में हम लोग बैठे हुए, हमने उनको भी ऑफर किया, ये किसका हाथ आ रहा है, हाथ उठा वाले भाई। इस औरत की भूख खत्म नहीं हो रही है, अभी पैनकेक्स खाने के बाद बोल रही है कि गोलगप्पे खाने रज्जो के, और ये अरे आदमत तुम इधर किधर, अरे जिगर इधर किधर, गुब्बारे लेकर बैठी आदमी, ये वाला काम कब शुरू किया तुमने? बेच रही हूँ ना गोलगप्पे के पैसे जमा करने, गुब्बारा बेच के दूंगी ना। अच्छा बस आमना। तुम जैसी हो बस वैसी ही रहो। गोलगप्पा टूट जाएगा अंदर ही, साबित डालो मैं मुंह दबा दूंगा। यार क्या हो गया है, ये सब कुछ करके भी बोल लिया, ऐसा लग रहा है मैंने ज्यादा खा लिया। मैंने कहा अभी भी तुझे लग रहा है ज्यादा, तुम नहीं हंसो, मैं बोल सकता हूँ बेगम को, तुम नहीं बोल सकती गुब्बारे वाली। अच्छा भाई बहुत सारा खा लिया है हमने, यस गोलगप्पे भी खा लिए, बहुत मजा आया जब उनको, पैनकेक्स भी खा लिए और क्या खाया था, बर्गर भी खा लिया, बहुत सारा खा लिया। चलो इसको ऐसा ये मान तो रही है कि इसने ज्यादा खाया है, मैंने अब तक कह रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ज्यादा खाया है। आज का दिन बहुत क्रेजी हो गया मेरे लिए। ये तो मैंने कुछ क्रेजी कर
घर में रहता है हर वक्त, मतलब उसको घर में रहना इतना पसंद है। वाह, इंसान आज पूरा दिन बाहर था। बाहर था, थक गई हूँ मैं, कम से कम दो दिन सोऊंगी कम से कम। वाली फेसबुक में मेरी वीडियो देखी थी आलिया भट्ट की, जो बाल बात रही है, आज तुम्हें इतना सोऊंगी। यहाँ पे आए थे हम मछली खाने, वो हो ऐसी मछली। अक्रम फिश गाइस, अक्रम फिश बहुत अच्छी मछली है। अगर आप लोग को खाने की जगहों के सजेशन चाहिए तो आप हमसे पूछ लें, हम आपको सब जगहों को बता। अच्छा जी, तो हमारी आधी बातें रिकॉर्डिंग नहीं हुई, आधी बातें हमारी कट गई फुल स्टोरेज की वजह से। अच्छा बोल ले लो तुम, थोड़ी ज्यादा स्टोरेज वाला। अच्छा इनको मैंने बोला तुम्हारे फोन से आज ब्लॉग बनाएंगे, नहीं मेरी स्टोरेज फुल है। ये क्या बात है, वो निकाह की पिक्चर्स बहुत ज्यादा हो गई हैं। प्लीज मेरा ब्लॉग तो बनाना। हाँ तो मेरे भी फोन में बहुत सारी पिक्चर्स है भाई, काम काज वाला बताओ मैं। फालतू की पिक्चर्स। अच्छा खैर, तो अब बस अब घर आ गया, अब मैं जा रही हूँ फाइनली, अब मैं सोऊंगी और मैं कल उठूंगी, रीशे की मेहंदी में जाएंगे अब हम बस। Yes, बहुत मजा आया आज का दिन, और यही है कि भाई चैलेंजेस बताना कि हम लोग कौन कौन से चैलेंजेस करें। हाँ। ताकि हम लोग यूट्यूब वीडियो में वो सब करते रहे, और लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कर देना। सीधे आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय गाइस।